जिन्हें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने के चलते सिख समाज की बिटिया को जान से हाथ धोना पड़ा है। आज सिख समाज की एक बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसे सरकारी हॉस्पिटल लाया गया और तबीयत ज्यादा बिगड़ने से उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी, लेकिन हॉस्पिटल और ना ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर था और इतने में तबीयत ज्यादा बिगड़ी और डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। झिन्या से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। लड़की का असमय निधन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और प्रशासन की जो लापरवाही रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई है और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन का क्या कहना उस पर? देखो, ये जो आपके साथ हुआ है, लेकिन इसमें आपके पेशेंट को ऑक्सीजन हमने बराबर कंटिन्यू मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ दी है। पेशेंट को जब शिफ्ट कर रहे थे गाड़ी में, ऑक्सीजन में खुद चेक करके आया, उसमें नहीं था, ख़त्म हो गई थी, लेकिन सिलेंडर अरेंज करके आप सिलेंडर तो चेंज करना पड़ेगा था, उसके लिए तो वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? सर, जो पेशेंट का निधन हुआ है सर, उनको अस्थमा की दिक्कत थी और बगैर किसी ऑक्सीजन के 15 मिनट तक उनको लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में रखा गया है, तो उसकी जिम्मेदारी तो हॉस्पिटल प्रशासन की बनती है। इस टाइप का उसको ऑक्सीजन के वंचित तो रखा ही नहीं हमने, उसको इस कंडीशन में रखा था जब उस कुछ शायद एक्सपायरी ही हो चुके हैं। शायद नहीं सर, सर आप बताइए हॉस्पिटल प्रशासन की इसमें सरासर लापरवाही है। सर, अगर कोई मरीज जिसको ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है और आपके पास हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन में वो मरीज किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन हमने आपके पेशेंट को बराबर अवेलेबल, ऑक्सीजन सर गुरुद्वारा साहब के तरफ से जो ऑक्सीजन सिलेंडर बुलाए गए उनके जरिए फिर ऑक्सीजन दी गई है। अरेंज तो हमने ऑक्सीजन बराबर कर दिया था, ठीक है, आपका सपोर्ट उसमें रहा। आप कभी ऑक्सीजन कभी अरेंज कर देते तो जान नहीं जाती। ये तो ये गलत बात है कि आप ऑक्सीजन, गलत बात नहीं, जान मेरी बात सुनो, आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, बिल्कुल 100% करना पड़ेगा। कोई गलती नहीं है, बराबर टाइम पे ऑक्सीजन हमने दी पेशेंट को। आप सीरियस पेशेंट हैं, आप उसको कभी 3 घंटे 4 घंटे कभी रखोगे, उसको टाइम पे अपन कभी भेज देते तो ये सर शायद, किंतु सर शायद किंतु परंतु का समय सर निकल गया है। आज हमारे समाज की बेटी का असमय निधन हो गया है, उनकी 2 माह की बच्ची है, अभी उनको वैवाहिक वर्षगांठ उनकी परसों हुई है, 1 साल उनकी शादी को हुआ है। आप सिर्फ यहाँ पर बातें बनाते रह गए, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, ये है सच्चाई झिरन्या हॉस्पिटल की। ये तो गलत बात है, ये ही सही है सर। देखो मेरी बात सुनिए, टाइम आपको आपको जितना समय हमारे पास इमरजेंसी में पर्याप्त सिलेंडर भी है और दो सिलेंडर अभी अवेलेबल है। सर अगर आपके पास हॉस्पिटल में अभी सिलेंडर भरे हुए हैं, सर आपके पास अगर ऑक्सीजन आपके पास अगर अस्पताल में सिलेंडर भरे हुए हैं तो आपकी एम्बुलेंस वाले ने गुरुद्वारे के सिलेंडर क्यों मांगे हैं? सिलेंडर बराबर है तो आपकी एम्बुलेंस वाले ने गुरुद्वारे के सिलेंडर क्यों मांगे हैं? सिलेंडर सिलेंडर बराबर मात्रा में खाली हुए, अरेंज हो गया है, लेकिन आप पेशेंट यार सीरियस रखोगे 3-3 घंटे? अगर पेशेंट सीरियस थी तो उसको रेफर करवाना चाहिए। क्यों नहीं करा सर? हॉस्पिटल मरीज ये थोड़ी कहेगा कि मुझे रेफर कीजिए, हॉस्पिटल रेफर करेगा ना। मेरी बात सुनिए, जिस डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है उनसे आप उसको रेफर करवा लेते कि भैया क्या स्थिति है, हमको टाइम पे। सर आप किसको नाम जब किसको भाई जिस डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड, सर हॉस्पिटल के BMO मुख्य अधिकारी आप है सर, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आज जो भी आकस्मिक घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही बनेगी। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम किस पेशेंट को कौन डॉक्टर अटेंड कर रहा है, उसको तो टाइम पे आप सर जगह पर मौजूद थे, आप सर जगह पर मौजूद थे। अब मेरे पास तो दूसरे बहुत सारे काम रहते हैं, मैं पेशेंट पास आया, लेकिन पेशेंट कब से आया सर? ये सबके द्वारा देखा गया है, आपके ये सर सबके द्वारा सर ये सबके द्वारा देखा गया है कि उससे तो आप बात करते हैं कि सर यहाँ क्या है। सर ये सबके द्वारा देखा गया है कि मुख्य अधिकारी BMO 4th कतार में मौजूद थे सर। ये इंसिडेंट नहीं
सर बीएमओ सर आप चौथी कतार में मौजूद थे जब मरीज को पंपिंग चल रही थी, आप चौथी कतार में मौजूद थे। मैं वहाँ एंड टाइम पे था, लेकिन हमारा सर तो आपसे एक ही सवाल क्वेश्चन है, एम्बुलेंस में गैस कब से नहीं है, सिलेंडर कब से नहीं, ये बताओ। वो सिलेंडर भी उसका भरा हुआ था। आपने अभी कहा है कि खाली था सिलेंडर, तो भैया खाली है, मेरे पास खाली है नहीं तो सुनो सुनो अरे भाई सिलेंडर खाली हुआ कब से खाली है? चार दिन पहले आपको आपके नाले में था भाई, ये तो अब ऑक्सीजन भरा सिलेंडर रहता है। सुनो तो सही, पहले आप मेरे को बस उसका जवाब दे दो। एक सिलेंडर को मैं खुद लेके आया था, मैंने खुद ने चेक करा, ये इसमें भैया भी कोई ऐसा उठा के लाए थे, मैंने उसको चेक करा, बराबर ऑक्सीजन उसमें चल रही, अब ऑक्सीजन दिख तो नहीं रही है। अब उसके उसको लगाया वहाँ पर, नहीं निकली, ठीक है। अब आप आपकी गलती मान रहे हो नहीं कि आपकी आपका हॉस्पिटल की गलती है या नहीं, बात बंदा मेरे पास घटना की जिम्मेदारी आपको लेना ही पड़ेगी सर, ये इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आज से 4-5 दिन पहले फिर से समाज के एक वरिष्ठ को एडमिट किया गया था, रात भर वो एडमिट रहे थे आपके हॉस्पिटल में, रात में केवल एक नर्स मौजूद थी जो सभी उधर लेडीज अपार्टमेंट में भी देख रही थी, जो वार्ड ऑन में भी देख रही थी, जो सब तरफ देख रही थी, एक नर्स केवल मौजूद थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।